हाय गाइस, वेलकम टू जेक्यात। आज हम बनाने वाले हैं पेपर माशी क्ले। तो उसके लिए हमने जो ये न्यूज़पेपर है वो हमने ओवरनाइट बिका के रखा था, आपने देखा होगा। इसको अभी हम ये बहुत अच्छे से सॉफ्ट हो चुके हैं, अभी हमको इसको ग्राइंड करना है। हम लोग इसको थोड़ा थोड़ा करके ग्राइंड करेंगे, नहीं तो मिक्सर ख़राब हो सकता है। सो लेट्स डू इट। सो गाइस, ग्राइंड होने के बाद ये कुछ ऐसा दिखेगा। मैंने इसको दो स्लॉट्स में ग्राइंड किया है। अब भी थोड़ा थोड़ा करके ग्राइंड कीजिएगा। अभी हम इसका पूरा पानी निकाल देंगे। सो गाइस, अभी हमको इसका पूरा पानी निकालना है। ये हमारा पूरा पानी हमने स्क्वीज कर लिया है। अभी हम इसको सेपरेट करेंगे, इसके सब जो जॉइंट हो गए हैं उनको हम सेपरेट करेंगे। अब देख सकते हैं पूरा का पूरा पानी निकल चुका है इसमें से। आपको इससे पानी अच्छे से निकालना है। ये लगभग 2 कप तक पेपर माशे है, पेपर्स हैं। हम 2 टाइप की ग्लू बनाने वाले हैं, तो हम इसमें ये 2 कंटेनर्स में इनको हाफ हाफ कर देंगे। ओके, लेट्स बिगिन विद द फर्स्ट मेथड। इसको हम साइड में रख देते हैं। सो गाइस, अभी जो हम पेपर माशे ग्लू बनाने वाले हैं वो हम बनाएंगे इजीली अवेलेबल मटेरियल से। जो भी मटेरियल इजीली अवेलेबल होगा, जो आपको घर पे इजीली मिल जाएगा, हम फर्स्ट मेथड जो है वो उससे बनाने वाले हैं। तो ये है 1 कप ऑफ पेपर, इसको हम इसमें शिफ्ट कर देते हैं। मैं आपको मेजरमेंट पहले बता देती हूँ। 1 कप ऑफ पेपर के लिए 1/2 कप ऑफ मैदा, ऑल पर्पज फ्लोर भी बोलते हैं इसको। अगर आपके पास मैदा अवेलेबल नहीं है तो आप इसकी जगह पे कॉर्नफ्लोर भी यूज़ कर सकते हैं। हम जितनी क्वांटिटी मैदे की लेंगे हम उतनी क्वांटिटी ग्लू की लेंगे। सो ये जो ग्लू है ये घर पर बनी हुई है, इसका वीडियो आप हमारे चैनल पर देख सकते हैं। ये भी इजीली अवेलेबल मटेरियल से ही बनी हुई है। जितनी क्वांटिटी मैदे की लेंगे हम उतनी क्वांटिटी ग्लू की भी लेंगे। इसको हम थोड़ा थोड़ा करके डालेंगे, अच्छे से मिक्स कर देंगे। इसमें ग्लू एंड मैदा अच्छे से मिक्स करने के बाद हम अभी इसमें 1 टेबलस्पून ऑफ वाटर डालेंगे।
1 टेबल स्पून ऑफ वाटर डालने के बाद हम इसमें 1 टेबल स्पून वाटर डालने के बाद हम इसमें 1 टेबल स्पून ऑयल डालेंगे। ये कुकिंग ऑयल है, ये हमारे ग्लू को सॉफ्ट रखेगा। एंड फॉर प्रिजर्वेटिव ऑयल डालने के बाद हम इसमें 1/2 टीस्पून विनेगर डालेंगे, ये एज अ प्रिजर्वेटिव काम करेगा। अगर आपके पास विनेगर नहीं है तो आप इसके जगह पे लेमन जूस भी यूज़ कर सकते हैं। लेट्स मिक्स इट प्रॉपरली। आपको इसमें इसके सारे जो भी लम्स हैं वो निकालने हैं। अगर आपको नीड लग रही है तो आप इसमें थोड़ा और पानी ऐड भी कर सकते हैं अपने रिक्वायरमेंट के हिसाब से। अभी हम इसमें पेपर के ब्रशेस डालेंगे। इनको अच्छे से मिक्स कर देंगे, इनको अच्छे से नीड कर देंगे। इसके सारे लम्स निकालने हैं पेपर के ताकि ये अच्छे से मिक्स हो जाए। इसको हम मिक्स करके डो लाइक कंसिस्टेंसी तक लेकर आएंगे। इसको हम अच्छे से नीट करेंगे। गाइस, इसको हमने एक ले बना दिया है। अगर आपको चाहिए तो आप इसको एक प्लेन सरफेस पे इसको नीट कर सकते हैं, वो आपको ज़्यादा इजी होगा। अभी हमारा ये जो क्ले है वो रेडी है। अभी हम इसमें 1 टेबल स्पून ऑयल फिर से डाल देंगे। हम इसको अच्छे से मिक्स कर देंगे। आप लोग मेक श्योर कीजिएगा कि इसका आप सारे के सारे लम्स निकाल दें। गाइस, अभी हमारा पेपर माशे क्ले होममेड इंग्रेडिएंट से रेडी है। नाउ लेट्स स्टार्ट विद द सेकंड मेथड। इसके लिए भी हम सेम क्वांटिटी लेंगे। हमने 1 कप न्यूज़पेपर्स लिए हैं। सो गाइस, लेट्स बिगिन विद द सेकंड मेथड। उसके लिए हम 1 बाउल ऑफ पेपर ले लेंगे। इसमें हम कैमलिन की ग्लू यूज करेंगे। कैमलिन की ग्लू यूज करेंगे। वन कप ऑफ पेपर में लगभग हम लोग 3 कप ऑफ ग्लू यूज करेंगे। एंड इसको हम पूरे लम्स निकालेंगे, सब के सब जो भी लम्स आपको दिखेंगे। अब ये स्टेज पे आपको आपके सारे लम्स निकालने हैं। आपके पास अगर ये वाली ग्लू नहीं है तो आप कोई भी ग्लू यूज कर सकते हैं। आप वाइट पीवीआर ग्लू भी यूज कर सकते हैं। भाई अच्छे से मिक्स हो जाएगा। उसके बाद 1 टीस्पून ऑफ ऑयल यूज़ करेंगे। एंड अभी हम इसमें चॉक पाउडर डालेंगे एंड थोड़ा थोड़ा करके डालेंगे एंड इसको मिक्स करते जाएंगे। अगर आपके पास चॉक पाउडर नहीं है तो आप इसके जगह पे वाइटनर भी यूज़ कर सकते हैं। ये इजीली हार्डवेयर के शॉप पे मिल जाते हैं। को अच्छे से मिक्स करते जाएंगे।
सो गाइस अभी हमारी सेकेंड क्ले भी रेडी है। अब देख सकते हैं हमारी दोनों क्ले रेडी है। अभी हम इनको पॉलिथीन में डाल के रख देंगे एयरटाइट कंटेनर में। गाइस ये जो क्ले है वो जो भी आप इससे प्रोजेक्ट बनाएंगे वो लगभग 24 टू 48 आवर्स तक ड्राई हो जाता है एंड ये बहुत इजी टू मेक है। आप लोग इसे ज़रूर ट्राई कीजिएगा और कमेंट सेक्शन में हमको बताइएगा आप लोग ने कौन सा वाला मेथड इसमें से यूज़ किया है एंड आपने इसमें से क्या क्या बनाया है। सी यू इन नेक्स्ट वीडियो। हैप्पी क्राफ्टिंग।